वहीं खबरों में बात करते हैं करनाल की। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह द्वारा मॉडल टाउन स्थित अरोमा होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की गई, जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था व लगातार हो रहे मर्डर, बलात्कार, रेप के केसों में वृद्धि होने के मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में कांग्रेस के प्रवक्ता की सरेआम गोली मारकर हत्या करना सरकार की नाकामी सिद्ध कर रहा है। उन्होंने कहा कि करनाल में आए दिन शव मिल रहे हैं, सीएम हाउस के नजदीक रामनगर में भी दो शव मिल चुके हैं, परंतु पुलिस ऐसे मामलों को ट्रेस करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि करनाल में पुरानी धरोहर गेटों के नाम बदलकर नए नाम रखे जा रहे हैं, परंतु मंजी साहब गुरुद्वारा जिसमें गुरु जी आकर रुके थे उनके नाम पर कोई भी गेट का नाम नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के नाम पर करनाल में कलंदरी गेट का नाम रखे जाने की वकालत की और कलंदरी गेट का नाम किसी और जगह का रखने की भी बात कही। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार जातीय समीकरण बिगाड़ रही है और एक दूसरे को बढ़ाकर राजनीतिक फायदे ले रही है। उन्होंने शहर में रखे गए नए गेटों के नाम में समानता लाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेता होने के कारण यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर शहर व प्रदेश में हो रहे भेदभाव को उजागर करें और सरकार को जगाने का काम करें। इस मौके पर उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे। जाति भेदभाव करते हुए डाचर विवाद को नया जन्म दिया। डाचर विवाद के बाद जो सात पुराने गेट हैं जो करनाल की पहचान रखते हैं, कलंदरी गेट, मांसो गेट, ढूंढा गेट, ऐसे जो सात गेट हैं उनके गेटों के अंदर पुराने बाजार के बीच गुरुद्वारा मंजी साहब है जहाँ गुरु नानक देव जी 1515 में आए थे, लेकिन इन्होंने किसी भी गेट का नाम गुरु नानक देव जी के नाम पे नहीं रखा और उसके अंदर जो कलंदरी गेट थे था वो कलंदर फकीर के नाम पे था, उसको भी नहीं रखा। हमारे को हम ये मांग करते हैं कि तुरंत अभी सात गेटों में से एक गेट का नाम गुरु नानक देव जी का और दूसरा गेट कलंदर फकीर के नाम का जरूर रखना चाहिए ताकि जाति समीकरण बने रहे, भेदभाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। दूसरा, एक मैं रेजुलेशन लाया हूँ जो 2015 में हुआ था, जिस रेजुलेशन में मौजूदा सरकार के ने पास किया था कि बदड़ी बाईपास पे गुरु नानक देव जी के नाम पर द्वार तो बनना शुरू हुआ, लेकिन अभी मेरे को मालूम पड़ा कि उस गेट का नाम कोई और गेट पर रखा जा रहा है। हमें कोई इतराज नहीं है, तो ये कह दिए जाएंगे ये भेदभाव करते हैं, हिंदू सिख की बात करेंगे, लेकिन हम हिंदू सिख की बात नहीं करना चाहते। हम तो इस एजेंडे की बात करना चाहते हैं कि आपकी कहते कुछ हो करते कुछ हो आप जातीय भेदभाव उत्पन्न करते हो। तुरंत इस गेट का नाम, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो हरियाणा में गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा जो 550 साल है उसको धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो एजेंडा पास है उसको भी दर्द करार किया जा रहा है।